गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था सोर्सेज अबाउट हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस एंड इट्स लिमिटेशंस, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्लास एलेवेंथ में आपको कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट में देखा था। देन हम लोगों ने देखा कि क्या हमारा कंटेंट है, यानी कि हमारा जो कंटेंट है एलेवेंथ क्लास में हमें क्या पढ़ना है। ये कंटेंट हालांकि ये विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आज पढ़ना है फ्रॉम द बिगिनिंग्स ऑफ टाइम्स। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसको लेके हम लोगों ने काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी आपसे। ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है थीम वन फ्रॉम द बिगिनिंग्स ऑफ टाइम, इसमें आपको ये जानना है कि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, जिस रूप में हम आज देखते हैं अपने आप को, वो कैसे कैसे इस रूप में विकसित हुआ। यानी कि इंसान जो आज दिखता है हमें, दो हाथ दो पैर दो आँख दो कान एक नाक एक मुंह, ये जितने भी रूप में इंसान या जिस भी कलर का आप देखोगे, कलर वाइट्स कलर है, फिर ब्राउन कलर, फिर कुछ अफ्रीका में अलग तरह के जो लोग उनका निग्रोटो कहते हैं जिन्हें, इस तरह के जो इंसान जो आज हमें दिखते हैं, क्या ये शुरू से ऐसे ही थे या इनमें भी कोई चेंजेस होता रहा समय समय पर। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में लोगों ने, पेरेंट्स ने, दोस्तों ने आपसे कहा होगा कि हम जो है, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो बंदर है, ऐसे कहते हैं। अमूमन लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, और बंदर से जो हम इंसान के रूप में विकसित हुए हैं। हालांकि मैं ये कहूँ कि बंदर तो कहना कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये इंसान को बंदर से अलग करने में थोड़ा सा एक चैलेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि बंदर एक ह्यूमन इवोल्यूशन में ही एक फेज था, जो ऐप मंकी या आप गोरिल्ला चिंपांजी जो देखते हो, वो एक प्राइमेट एक फेज था। प्राइमेट एक फेज है जो आप देखेंगे, उस फेज में एक जो सब ग्रुप बना वो एप्स मंकी गोरिल्ला चिंपांजी जो आप देखते हैं वो उधर की तरफ निकल गए एक, और दूसरे जो आप फेज डेवलप हुआ उसमें आप देखोगे होमोनाइट्स होमोनिड्स होमो, फिर होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस होमो सेपियंस, इसके बारे में हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे आपसे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट आप देखोगे, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इसमें है कि बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये वर्ड जो ह्यूमन दिख रहा आपको, ये ह्यूमन जो वर्ड, ये ह्यूमन लाइक जो क्रिएशन, जो फर्स्ट क्रिएशन जो है आप देखोगे, उसका ओरिजिन हो रहा है 5.6 मिलियन ईयर अगो। यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में देखोगे MYA लिखा हुआ है, MYA का मीन्स होता है मिलियन ईयर्स, ठीक है। एक मिलियन में आप जानते हो 10 लाख ईयर्स होते हैं। तो ह्यूमन लाइक क्रिएचर, मैन लाइक क्रिएचर जो है वो पहली बार आज से 56 लाख साल पहले देखने को मिला, ठीक है। ये 56 लाख साल देखने को मिला, और जो मॉडर्न ह्यूमन जो जिसे आज आप देख रहे हो, इसका ओरिजिनेशन हुआ 1.6 मिलियंस ईयर्स अगो, यानी कि आज से 16 लाख साल पहले जो मॉडर्न ह्यूमंस जो जिस रूप में आप देख रहे हो उसमें इस तरह के जो फॉर्म इवोल्यूशंस हुए ह्यूमन एग्जिस्टेंस इस अर्थ सरफेस पे या धरती पर यूनिवर्स में जो देखने को मिला 16 लाख साल पहले। अब जो है यहाँ पे मैं आपसे कल ही डिस्कस कर लिया था आपसे कि हमारे लिए हिस्ट्री को जानने के डिफरेंट सोर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि हमारे पास जो भी सोर्स अवेलेबल है वो सिर्फ फिजिकल रिमेनिंग्स हैं, यानी कि हमारे पास उनके रिटेन एविडेंस नहीं है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कल डिस्कस कर लिया था कि जो राइटिंग स्किल है वो काफ़ी बाद में आई, पहले तो वोकल आने में ही समय लगा। वोकल जो कॉर्ड हमारा डेवलप हुआ, इंसान बोलना जब शुरू किया उसके बाद तो लिखना स्टार्ट करेगा, यानी कि ये एक ऐसा फेज है जिसमें इंसान बोलने की शुरुआत करना स्टार्ट करेगा, फिर वो अपना
धीमे धीमे अपना डेवलपमेंट करके फिर राइटिंग स्किल विकसित करेगा। राइटिंग स्किल वाली जो बात है वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि वोकल कॉर्ड आने के समय तक का जो आपको जानकारी इकट्ठा करना है या जानकारी लेना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास जो सोर्सेज है इस चैप्टर को जानने के लिए वो है फॉसिल्स, स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग्स। हालांकि इंसान जो है केव पेंटिंग्स वगैरह करना सीख गया था, क्योंकि ये भी एक स्किल होता है इंसान का अपने चीज़ों को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने का, सिखाने का। हालांकि पेंटिंग्स को लेके अलग अलग ओपिनियन है कि पेंटिंग्स लोगों ने क्यों बनाई होगी, क्यों ऐसी जगह पे बनाई होगी, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप यहाँ पे जान लो कि हमारे पास जो सोर्स है अर्ली फेज के ह्यूमंस का, वो सोर्स क्या है? फॉसिल्स, स्टोन टूल्स और केव पेंटिंग्स। अब फॉसिल्स के बारे में यहाँ एक वर्ड मिला आपको, फॉसिल्स। फॉसिल बेसिकली, फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ ए वेरी ओल्ड प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन विच हैव टर्न इनटू स्टोन। यानी कि फॉसिल्स जो होता है काफ़ी पहले का, जो एनिमल्स या लिविंग थिंग्स जो होती है जो स्टोन्स के रूप में कन्वर्ट हो चुका होता है या बदल चुका होता है, और ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जिसे आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट करके ये पता लगाते हैं कि ये किसके फॉसिल्स है, इसके क्या फीचर्स थे, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कौन कौन सी विशेषता है। इसके अकॉर्डिंग लोग जो है पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं। आपने एक वर्ड भी सुना होगा, फॉसिल्स फ्यूल। आजकल जो पेट्रोलियम जो है ना, फॉसिल्स फ्यूल्स का ही एक एग्जांपल है। तो फॉसिल्स फ्यूल में जो पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो पेट्रोल यूज़ करते हो भी एक समय लिविंग थिंग्स से ही कन्वर्टेड रूप में आपको अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक चीज और जानना है आपको कि ये इंसान जो है, आपने एक जब आप सीनियर क्लास में जब आगे जैसे से पढ़ोगे वहाँ पे देखोगे इंसान की जो सोच थी वो सोच समय समय के अकॉर्डिंग बदलता रहा। चैप्टर नंबर 7 जब पढ़ोगे इसी क्लास में से, 11th क्लास में, तो उसमें एक चैप्टर है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, यानी कि एक वर्ड आपको मिलेगा रेनेसा, ठीक है, पुनर्जागरण। एक वर्ड से आप फैमिलियर हो गए, उस वर्ड में देखोगे कि इंसान की जो सोच है वो रिलीजियस सेंट्रिक से क्या हो रहे हैं, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच इंसान के अंदर डेवलप हो। यानी कि पहले इंसान जो धर्म को केंद्र में रखता था, उस धर्म की जगह लोगों ने एक व्यक्ति को उसकी महत्व, एक व्यक्ति को और व्यक्ति के उसकी अपनी खासियत, व्यक्ति के अपने महत्व के अकॉर्डिंग उसकी पहचान के पहचानने के रूप में लोगों ने अपने समझ विकसित की। यानी कि एक व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ना कि धर्म के लिए क्या जरूरी है ये। सो अब जो है, जब सबसे पहले जब आपसे करीब आज से 200-300 साल पहले जब हमें फॉसिल्स मिल रहे थे, तो फॉसिल्स मिले तो हम लोगों को खासकर जो फॉसिल्स ही अफ्रीका से, फॉसिल्स जर्मनी से, या आप देखोगे अलग अलग जो मैं अभी मैप दिखाऊंगा आपको आगे, उस मैप में देखोगे कि जो भी एंशियंट साइट्स रहे हैं जहाँ से ह्यूमन फॉसिल्स मिले हैं, उस फॉसिल्स में लोगों ने ये विश्वास करने से इनकार कर दिया कि ये इंसानों का एक अर्ली जो इंसानों का एक अर्ली फॉर्म में ये फॉसिल्स है। यानी कि जो स्केल्टन्स मिला, स्कल मिला, सबसे पहले एक स्कल मिला, स्कल को देख के लोगों ने कहा कि ये इंसानों का ही एक अर्ली फेज है, यानी कि एक इंसान का स्कल है। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या थी कि यहाँ पे बाइबल जो कहते हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग जो बाइबल की एक बुक है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें ये कहा गया है कि इंसान, जानवर, पेड़ पौधा, पक्षी, ये सारे क्रिएचर, जितने सारे नेचर में जो भी चीज़ें हैं, सबको भगवान ने, ईश्वर ने एक साथ बनाया। अब यहाँ पे उनके लिए समस्या ये हो गई कि जब सबको एक साथ बनाया तो फिर जो इंसान जिस रूप में हम आज देखते हैं वो फिर कैसे ऐसा मंकी शेप में या एक कैसे डिफरेंट शेप में हो सकता है, जब बाइबल के अकॉर्डिंग कहा गया कि एक साथ ही है, ठीक है। तो फिर ये इवोल्यूशन की बात ही नहीं हो रहा कि यूज करते हैं, फिर कैसे, मतलब मैं आपको, यानी कि इंसान अलग अलग जब फेज में विकसित होकर अभी पहुंच रहा है, अकॉर्डिंग क्या था कि इंसान नेचर ने, भगवान ने, ईश्वर ने बहुत पहले ही बना दिया था, उसी से बंदर भी बनाया, उसी चिंपैंजी भी बनाया, यानी कि जो भी क्रिएचर्स हैं, जो भी नेचर में जो भी चीज़ है सबको भगवान ने बनाया, ठीक है। यानी कि इंसान का जो पूर्वज एंसेस्टर्स है ये कोई चिंपैंजी या गोरिल्ला नहीं हो सकते।
इसको लेके काफ़ी डाउट हुआ, लोगों ने काफ़ी इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि जो स्कल मिला हुआ है ह्यूमन से रिलेटेड है। फिर बाद में जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ा, नींडरथल वैली में जो स्कल मिला था, मैंने आपको पहले बताया स्केल्टन्स मिला, नींडरथल वैली जो इस समय जर्मनी में है वहाँ पे सबसे पहले स्केल्टन मिला। यूरोप में ही स्कॉलर्स ने सोच करना स्टार्ट किया कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि लोगों के अंदर जिज्ञासा थी क्या हम वाकई हैं शुरू से ऐसे ही थे या हमारे अंदर भी चेंजेज आते हैं। क्योंकि अब आप देखोगे हॉलीवुड में बहुत सारी मूवी आती हैं, एक्समैन सीरीज हैं बहुत सारी, जिसमें एक वर्ड मिलेगा आपको म्यूटेशंस। अब म्यूटेशंस जो वर्ड है, ये म्यूटेशन वर्ड ये बताता है कि इंसान में हमेशा परिवर्तन होता रहा, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि जैसा इंसान अभी दिख रहा, हो सकता आने वाले 1000 साल बाद या 2000 साल या 1 लाख साल बाद इंसान में कुछ चेंजेस दिख जाए। हो सकता है उंगलियां जो है पैर की वो 4 हो जाए, क्योंकि एक जो नेट थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है, सर्वर प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो क्योंकि कहा जाता है कि पहले इंसान का जो एक आप देखोगे बॉडी में एक अपेंडिक्स निकाल देते हैं, वो पहले इंसान जो खाता था घास वगैरह खाते थे या पत्ते वगैरह खाते थे, तो उसको पचाने में काम आता था। लेकिन अब क्या है, वो हम लोग घास वगैरह खाते नहीं है, पेड़ पौधे पत्ते वगैरह खाते नहीं है, तो अब क्या है वो हमारे बॉडी में एक यूजलेस पार्ट के रूप में अभी भी एग्जिस्टेंस है उसका। लोग बाद में कभी कभी क्या होता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा के लोग उसे बाहर निकलवाते, क्योंकि कभी फट जाता है पेट में तो पॉइजन की वजह से पूरे शरीर को नुकसान पहुंचता है, इससे डेथ भी हो जाती है, ह्यूमन डेथ भी हो जाती है, इसलिए जो है लोग उसे निकलवा दे रहे हैं। यानी कि म्यूटेशन जो है वो समय समय पर होता है। अब जो है इसको लेके लोगों ने कि समाज में कुछ लोगों के अंदर जिज्ञासा नहीं होती है या पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उन्होंने क्या इसको एक साथ स्कूल टीचर के कार्ल फुलहोर्ट जो थे उनको लोकल उनको दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया, इसे बोन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे उनके पास इसे भेज दिया, उनका नाम था प्रोफेसर हरमन साफोस्टाइन, उनके पास भेज दिया। फिर उन्होंने एक जनरल पब्लिक ने दावा किया कि ये जो स्केलेटन है हमारे इंसान का अर्लियर फेज का एक क्या बिंब है, यानी कि अर्लियर फेज का इंसान जो आज देख रहा है और जो स्केलेटन है इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है, और हो ना हो ये स्केलेटन जो है हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन की एक बेहतर पहचान है। लेकिन जैसे जैसे एक बुक बाद में पब्लिश हुई, उस बुक काफ़ी रिवोल्यूशनरी बुक मानी गई, जिसे चार्ल्स डार्विन ने पब्लिश किया था 24 नवंबर 1859 में। उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि ये अपने आप में काफ़ी रिवोल्यूशनरी बुक थी। इस बुक में कहा गया कि जो चीज़ें आप पढ़ोगे अनुकूल नहीं, अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाता, लुप्त हो जाता है। यानी कि अगर जैसे चीज़ें बदल रही है, जैसे चीज़ें या जीव आते हैं वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं, लुप्त कर जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल था, उन्होंने कहा डायनासोर या जो भी हमारी धरती पर जो भी क्रिएचर्स हैं, जो भी चीज़ें बनाई या नेचर दिखती हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें लुप्त कर गई। अकॉर्डिंग आप नहीं ला पाए, और जब नहीं ला पाए तो क्या हो गया, वो विलुप्त कर गए। और इंसान जो है ये चेंजेस लाया धीमे धीमे समय के हिसाब से, इंसान जो है अभी यहाँ पे एग्जिस्ट है, करता है, मौजूद है इस वर्ष में या इस अर्थ पे, ठीक है। इसके बाद जो है शोध जैसे गया ह्यूमन इवोल्यूशन का, और ह्यूमन इवोल्यूशन के शोध में बहुत सारी जो बातें थी वो निकल के सामने आई, ठीक है। फिर इसमें कहा गया 19th century के मिड में, तो लोगों ने एक कहा कि जो एक वर्ड मिलेगा आपको प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स जो है आप देखोगे एक वर्ड आपको मिला होगा इसमें प्राइमेट्स, आर ए सब ग्रुप ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स, यानी कि मैमल्स का ये एक क्या सब ग्रुप है। मैमल्स आप जानते हो, आप पढ़े होगे ना, स्तनपाई जानवर जो होते हैं, स्तनधारी जानवर होते हैं, लार्ज सब ग्रुप्स है, देयर इंक्लूड्स मंकी एप एंड ह्यूमन्स। यानी कि इसमें क्या है, प्राइमेट्स में
मंकी भी शामिल है, ह्यूमन भी शामिल है और ऐप भी शामिल है। और इनकी खासियत क्या है, दे हैव बॉडी हेयर, यानी कि शरीर पर रोए होते हैं, मंकी के शरीर पर भी रोए होते हैं, होते हैं एप्स के शरीर पर भी होते हैं। रिलेटिविटी लॉन्ग जेस्चर्स, ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें होते क्या होते हैं, बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उनके पास स्तनपान वगैरह जो करा सकते हैं। इनका एक विशेष तरह के दांत होते हैं, यानी कि प्राइमेट में कौन कौन शामिल में, मैन, मंकी, एप्स, ये जितने सारे चीजें हैं प्राइमेट्स के ही एक प्राइमेट्स में शामिल है। प्राइमेट क्या है, मैमल्स का एक सब ग्रुप है, ठीक है। और ये प्राइमेट कब आया धरती पर, 24 मिलियन, यानी कि आज से 24 कितने हो गए आप, कितने 24 अगो, यानी कि कितने 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख, ठीक है। और 24 मीन्स 240 लाख, ठीक है। अब जो है यहाँ एक मिनट, कुछ मेरे बच्चों को शायद दिख नहीं पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट में थोड़ा। अब सही है, दिख रहे हैं आप, थैंक यू। अब यहाँ पे जानना है कि एक वर्ड आपको और मिलेगा प्राइमेट में, एक सब ग्रुप और बनना, ये होमोनॉइड्स जो है प्राइमेट में, ये क्या है, अब ये क्या आप ये समझो कि ये अलग अलग फेजेस हैं, यानी कि अब प्राइमेट में भी एक फेज एक होमोनॉइड्स, ठीक है। अब जो है इसमें क्या क्या होमोनॉइड्स में क्या इंक्लूडेड है, एप्स और ह्यूमंस, ठीक है। होमिनिड्स होमोनॉइड से निकला हुआ, यानी कि आप समझो सबसे पहले क्या आया प्राइमेट, प्राइमेट के बाद क्या है होमिनॉइड्स, होमिनॉइड्स के बाद क्या है होमिनिड्स, सबसे पहले क्या है प्राइमेट, देन अब होमिनिड्स के बाद मैं आपको अभी डिफाइन कर दूंगा आगे आप क्लियर हो। आप सबसे पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले मैमल, मैमल का एक सब ग्रुप प्राइमेट, सबसे नाइट्स, देन ठीक है। अब ये दोनों में क्या अंतर है होमिनाइड्स नॉइड्स और होमिनिड्स में, अब यहां डिफरेंस देख लीजिए आप क्या क्या डिफरेंस, जो स्मॉलर ब्रेन, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेन का साइज बढ़ेगा सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी इंसान में, ऐसे ही क्या होगा, सॉरी प्रॉब्लम। अब यहां कर देता हूं, सबसे पहले प्राइमेट, प्राइमेट क्या है सब सिर्फ और स्तनधारी जीव, तो स्तनधारी में ही एक टाइम ग्रुप्स हैं, जिसमें एक है पहले आया क्या आया, पहले आया आपको होमिनोइड्स और उसके ठीक है। अब दोनों में क्या है होमिन होमिनॉइड्स में है क्या उसका स्मॉल, दिख रहा है आपको ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक क्या है छोटा है, एक का ब्रेन साइज क्या होगा, ऑब्वियसली होमिनिड्स का क्या ब्रेन साइज थोड़ा सा बड़ा होगा कंपेरेटिवली किसके होमिनॉइड्स के, ठीक है। बॉडी क्या है इसका, लार्जर बॉडी लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी लेता है, जो बर्थ में या पेट में रहने में एक समय जो है वो काफ़ी लंबा समय पीरियड होता था, लेकिन होमिनिड्स का जो पीरियड गेस्टेशन पीरियड क्या हो गया वो कम हो गया, ठीक है। इन्फेंट का जो पीरियड है वो काफ़ी जो है वो ओके सॉरी नेटवर्क की वजह से। अब यहाँ पे आप देख ये जानना है आपको कि दोनों के टेल नहीं है, यहाँ पे डू नॉट हैव ए टेल, इसका मतलब ये नहीं कि इनके क्या है, इनके होमिनॉइड्स
होमिनॉइड्स के नेक्स्ट फेज क्या है, होमिनिड्स, और होमिनिड्स के पास क्या है, ऑलरेडी इनके पास टेल नहीं होगा, जब इनके पास नहीं है तो इनके पास भी नहीं होगा, ठीक है। इनका जो ब्रेन साइज क्या है, कंपैरेटिवली होमिनॉइड्स से यहाँ पे कार्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चतुष्पादीय थे और ये क्या है अपराइट पोस्चर, यानी कि ये खड़े हो सकते हैं, यानी कि दो पैर के बदौलत ये खड़े हो सकते हैं, हाथ ऊपर कर सकते हैं, और जब हाथ फ्री हो इनका होमिनिड्स का तो क्या कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन इन हैंड ऑफ हैंड, यानी कि ये जो है हाथों का डिफरेंट डिफरेंट रूपों में यूज कर सकते हैं, यानी कि टूल्स मेकिंग का जो है धीमे धीमे सिस्टम क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी कि अभी ये चार पैर पे चल रहे हैं होमिनॉइड्स, ठीक है, यानी कि दोनों जो हाथ है दोनों, यानी कि एक चतुष्पादी है, यानी कि चार पैर पे चलने वाले, चार पैर कर लीजिए क्योंकि हाथ इनका भी फ्री नहीं हुआ था, इनका होमिनॉइड्स का हाथ फ्री नहीं था, लेकिन होमिनिड्स का क्या है, इनका हाथ फ्री होने लगा, ठीक है। और लोकोमोशन जो है वो क्या होना है, इनका बाईपेडल्स हो गए थे, यानी कि दो पैर पर चलना स्टार्ट कर दिए थे, और दो पैर पर चलने के बाद क्या हो गया, इनके हाथ जो है डिफरेंट डिफरेंट कामों में यूज आ सकते थे, ओके। दोनों में अंतर समझ लिए, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप फिर से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन रहता है। पहला मैमल्स, मैमल्स से सब ग्रुप क्या बना, प्राइमेट, फिर प्राइमेट्स में क्या बने, सबसे पहले प्राइमेट में क्या है, होमिनॉइड्स, और होमिनॉइड्स के बाद क्या है, होमिनिड्स। अब होमिनिड्स जो है होमिनिडे का ही एक सब ग्रुप है, ठीक है। होमिनिड्स बिलोंग्स टू अ फैमिली नोन एज द होमिनिड, होमिनिड्स बिलोंग्स टू अ फैमिली नोन एज होमिनिडे। होमिनिड्स आर द फर्दर डिवाइडेड इंटू टू ब्रांचेस, दो जेनस में ब्रांच में डेवलप हुआ, एक ऑस्ट्रलोपिथेकस एंड सेकेंड होमो, यानी कि सबसे पहले प्राइमेट, प्राइमेट के बाद होमिनॉइड्स, होमिनॉइड्स के बाद होमिनिड्स, होमिनिड्स किससे जुड़ा होता, होमिनिडे का एक सब फैमिली से ही जुड़ा हुआ था। और ये जो है होमिनिड्स जो है, यानी कि ये वाला ये जो है ये फिर आगे जाके डिवाइड हो जाता है किसमें, ऑस्ट्रलोपिथेकस और होमो, ठीक है। होमिनिड्स किसमें डिवाइड हो जाता है, ऑस्ट्रलोपिथेकस एंड होमो। ये ऑस्ट्रलोपिथेकस जो है वर्ड जो है, ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल से और ग्रीक वर्ड पिथिकस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रल का मीन्स होता है साउदर्न, और पिथिकस का मीन्स होता है ऐप, यानी कि दक्षिणी वानर, यानी कि अभी भी इनमें होमिनिड्स में एक जो ग्रुप बन गया है वो क्या बन गया, ये ग्रुप बना ऑस्ट्रलोपिथेकस और दूसरा बना होमो, ठीक है। ऑस्ट्रलोपिथेकस का मतलब क्या हो गया, ऑस्ट्रल का मीन्स होता है साउदर्न, और पेथिकस का मीन्स होता है ऐप, और ये कहाँ पे, दक्षिणी वानर, यानी कि दक्षिणी जो एरिया जो है ना हमारे, जब ग्लोब देखोगे आप, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर दो रूप में डिवाइड है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हमें एविडेंस मिलते हैं ऑस्ट्रलोपिथेकस के मिलते हैं, हालांकि अब ये नहीं एग्जिस्ट नहीं, ये म्यूटेशंस के अकॉर्डिंग और ये अभी विलुप्त हो चुके हैं।